जदयू सांसद देवेश चंद्र के द्वारा मुस्लिम यादव और कुशवाहा को लेकर दिए गए बयान के बाद बिहार में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक तरफ जहां भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सांसद पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं भागलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर सांसद देवेश चंद्र का पुतला दहन किया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार से सांसद देवेश चंद्र पर कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है और जब से हम इस धरती पर हैं, तब से किसी भी नेता का इस तरह का बयान नहीं सुना है। बड़ी दुखद बात है। आज तक जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है और जब से मैं इस जमीन पर धरती पर आया हूँ, मैंने किसी ऐसे विधायक या सांसद से ऐसा बयान नहीं सुना कि जो लोग वोट नहीं दिए हैं उसका मैं काम नहीं करूंगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यादव, मुसलमान, कुशवाहा, ये तीन जाति ने मुझे वोट नहीं दिया। जो मेरे घर पर आते हैं वो सिर्फ चाय पिए, नाश्ता करें और चले जाएं, उनका कोई काम नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, जदयू के वो सांसद हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई यह होनी चाहिए कि जो सांसद जनता चुनती है काम करने के लिए, जनता का जब जीत हो जाती है तो सभी लोगों का वो सांसद होता है, विधायक होता है, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सांसद से निलंबित करके उसको सबक सिखाना चाहिए कि आइंदे जो इतिहास गवाह है, कभी किसी ऐसे सांसद और विधायक ने नहीं बोला कि मैं किसी का काम नहीं करूंगा। यह देश को बांटने का काम है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों, यादवों और कुशवाहा समाज के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने यह कहा है कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए ये हमारे पास किसी काम को लेकर नहीं आए हैं। यह जो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के स्पिरिट के खिलाफ है, उसकी मर्यादा के खिलाफ है। ऐसा करके उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया है। उनके इस बयान के खिलाफ आज हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देवेश चंद्र ठाकुर का पुतला दहन किया है और हम जदयू से मांग करते हैं, नीतीश कुमार से जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि तत्काल अगर उनमें कोई शर्म बची है तो देवेश चंद्र ठाकुर को अपनी पार्टी से निलंबित करें। वही नहीं, हम राष्ट्रपति महोदया से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे नाकारे सांसद को शपथ नहीं दिलाया जाए, क्योंकि उन्होंने उनका बयान भारतीय संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। फिलहाल किशनगंज से ठीक 15 किलोमीटर पूर्व में पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में 21 दिनों से मानसून अटका है। पूर्वानुमान है कि 48 घंटे में मानसून बिहार के कई इलाकों में प्रवेश कर सकता है। आज रात तक हल्की बारिश हो सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अनुसार 19 से 23 जून के बीच तापमान में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन उमस बनी रहेगी। इस दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र फुदनचक बहियार में बीते दिनों सुमेश मंडल नामक किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं हिरासत से छूटे आरोपियों ने गोराडी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि कांड के नामजद अभियुक्त व्यापारी मंडल को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 5 संदिग्धों को सोमवार की रात ही छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्ध इलाज कराने के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गोराडी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि थाना में हिरासत में रखकर पूछताछ किए जाने के दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए गए। इलाज कराने आए लोगों का आरोप है कि उनके गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया और थर्ड डिग्री टॉर्चर भी किया गया। अस्पताल पहुंचे अम्बेडकर
कन्हाई दास और धनेश्वर दास ने बताया कि घटना के बाद शनिवार तड़के सुबह ही पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए उनके घर से थाना लेकर चली गई थी। इधर मामले को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, डीएसपी विधि व्यवस्था को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जांच रिपोर्ट में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। वही सिटी एसपी राज ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। बाबू है ना घोड़ों पर उठा के ले चलो व्यंजन में के बड़ा बाबू छोटा कथिल के पूछ जांच बात नहीं बोल के पूछ जांच करेंगे फिर तुमको छोड़ देंगे। यहाँ से गेल यहाँ बाबू ले गेलो पूरा बेहर मिस मारल जाए बाबू हाँ थाना पर बाबू पैरों में 200 लाठी से बेसी मारलक चित्तड़ मारलक बाबू पेट्रोल छिटी छिटी के मारल बाबू पेट्रोल हाँ पेट्रोल गाड़ी में देख बाबू नंगा करी के मारल बाबू एना बरमती मारल बाबू है हालत देखो बाबू बुलल नहीं सकी रुचि बाबू हाँ तो बतल कहाँ पुलिया बाबू घर कहना मारो बाबू हमारा की गलती कर लोचे बाबू तो कह रहे सलाह तुमरे घर के बगल में मर्डर हुआ था किले मर्डर ले बाबू तो हमें नहीं कुछ जाने छे बाबू नहीं कोई चोर नाम नहीं निशान बाबू और हमारा है रहा कहना मारी रो छो कहे सलाह नाम बताओ किले केकरो नाम बते बाबू हाँ घरों बगलो तुरम छे 15-20 घरों दूरी में छे हमें बिहान हमे यहाँ 5 आदमी छे बाबू 5 आदमी छे बाबू हाँ 5 के लगे केकरे एक दिन पहले लग लो केकरे एक दिन पीछू के लग लो है नहीं करके लगलो छ हाँ बतल कहाँ नहीं बोलिए बाबू कल के मर्डर हुआ है मर्डर कैसे मतलब हाँ हमरो धनेश्वर दास नाम छे कहाँ उम्र 60 गोरा डियर गोरा डियर रह गया बड़ा वो छोटा वो गोराडी थाना के कौन बात कर हमें सुतलो लिए घर में आइले 12 बजे ठिकाने उठा के लेके चलो गले हम वहाँ जाके मारपीट करे लगले कह नाम पाती हम किस कि केकरो नाम बतेबे जब केकरे में जानबे बुझबे नहीं करे जब केकरो नाम बतेबे की कहिबे हां की कहिबे यही कही के और जे कि मारपीट जो होलो होले बा कही के ले गेलो ले केकरा से मारपीट अब केकरा से होले नहीं होले हमरा को मारपीट नहीं होलो ले हम हमरा हम के को मारपीट केकरे से नहीं होलो छे तो ऐसे बेवजह लगे हां ऐसे बेवजह आइले और उठाय ले चलो गेले हमरा अपने तकलीफ की बताबी है तरबो मारी के बेरत करी देले छे अच्छा चित्तड़ में आ करंट सटाए लेके नाम बताओ किसी का नाम बताओ तो हम केकरो नाम बतेबे कहीं नाम नहीं बताओगे तो तुमको मार के बर्बाद कर देंगे किसी का नाम बताओ ये बात क्या बोले बड़ा बू छोटा बू दोनों हाँ जो मारे ही लीजिए तो केकरो मर्डर हो जाए जो तोरा से गिरफ्तार कर केकरो बस पता नहीं जो कहना पड़ेगा हमारा को पता नहीं जन ठिकाने ले उठा के लिख से लोग देख चलिए हाँ तरह कनाई दास उम्र किच का 60 हाँ करे की करे काम की करे काम वो अपना खेती गृहस्थी करे चार की करे आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुआ है इस संबंध में तत्काल SDPO को संबंधित SDPO को सूचित किया गया है और वो इस पूरे मामले की जांच कर लेंगे और जांच में कुछ जो तथ्य आएगा उसके सामने फिर जो है इसको रखा जाएगा और उसके अनुसार फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भागलपुर जिला अंतर्गत निजी क्लिनिकों के द्वारा अपने संस्थान अंतर्गत प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर ANC टीकाकरण, प्रसव, परिवार नियोजन से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि भारत सरकार के वेब पोर्टल HMIS पर नहीं किए जाने के कारण जिले की संपूर्ण उपलब्धि परिलक्षित नहीं हो रही है। इस दौरान DM ने सभी निजी क्लिनिकों के संचालकों को उपलब्ध कराए जा रहे सेवाओं से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि सरकार के निर्देशानुसार HMIS पोर्टल पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अचूक रूप से अपलोड करवाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में DM ने कहा कि जिन निजी क्लिनिकों द्वारा ये कार्य नहीं किया जाएगा, उनके संस्थानों में छापा दल के द्वारा धावा देते हुए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज 54वां जन्मदिन मनाया गया। इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कैंप कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर विधायक अजीत शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आप ऐसा पूछे, आज आदरणीय राहुल गांधी का जन्मदिन है, बड़ी खुशी का माहौल है और पूरी जनता उत्साहित है। हम लोग बड़े सभी कांग्रेस वाले लोग उनके जन्मदिन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपनी तरफ से भी पूरे भागलपुर लोकसभा की जनता, बिहार की जनता की तरफ से, और उनको भगवान इतनी शक्ति दे जिससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल कर उन्होंने जनता में उत्साह पैदा किया, जनता की आवाज़ बनी। और मैं चाहूँगा कि इस बार भी विपक्ष में रहते हुए भी, ठीक है सरकार नहीं बनी लेकिन जनता ने उन्हें साथ दिया है, उनके जन्मदिन पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आपकी मेहनत ने इंडिया गठबंधन सरकार न बनी लेकिन जनता उत्साहित है आपकी आवाज़ सुनने के लिए सदन में, और आपको इतनी शक्ति भगवान दे कि आप जनता की आवाज़ बने, चाहे महंगाई दूर करने की बात हो, युवकों को बेरोजगारी दूर करने की बात हो, सभी जाति समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात हो। आपको आज जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और माँ दुर्गा, माँ भगवती, शंकर भगवान आपको शक्ति दे ताकि आप जनता की आवाज़ सदन में बन सकें।